को लेके जो विरोधाभास है कि मेरा धर्म गड़बड़ है, उनका धर्म नहीं है, मेरा धर्म बिल्कुल सही है, उनका धर्म गड़बड़ है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है, तो थोड़ा सा बताइए। और मैं राजेंद्र सिंह बग्गा, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब ने इस विषय में बड़े बहुत विस्तार से बताया है, बहुत डिटेल में बताया है कि किसका धर्म बड़ा है या किसका धर्म छोटा है। उन्होंने कहा है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जब निर्मल कर्म, ये गुरबाणी कहती है कि हर का नाम जब निर्मल कर्म। तो गुरान देवी से भी कभी जब आए माध्यम में तो उस पर भी उठता दो ही मोहम्मद थी, हिंदू थे मुसलमान थे, तो हिंदू भाई ने पूछा, मुसलमान भाई ने पूछा कि हिंदू धर्म अच्छा है या मुसलमान इस्लाम धर्म अच्छा है। तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि शुद्ध कर्मा भाग्य दोनों रोई, ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं शुद्ध कर्म है तो तभी वो ठीक है, वरना दोनों रोते हैं और अपने अपने लिए और पश्चाताप भी करते हैं। मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का एक गीत था, उसकी एक लाइन थी, उस लाइन में बड़ा सुंदर शब्दों में हमने बचपन में पढ़ा था उसको, उसमें लिखा हुआ था, उसमें कहा था भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर बुराई पर आ जाए तो हर 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 इंसान बुरा है। इंसान को चाहिए कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, सब एक दूसरे को इज्जत करें, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और समझिए कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अक्सर के नफरत को इस देश से मिटाने की बात करो, सभी धर्मों के त्योहारों को साथ साथ मिलाने की बात करो, मनाने की बात करो। भारत में रहते हैं भारतवासी बनकर, भारत में ही मिटाने की बात करो। इसलिए हम तो ये सबको लेक्चर यही देते हैं, हमारे गुरु नानक जी की यही शिक्षाएं हैं कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्म अच्छे हैं, हर इंसान को हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उसके मजहब का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मानस की जात सब एक ही पहचान की। ईश्वर ने कहा है कि मानस की जो जात है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनी है, सबको एक ही तरह से एक ही नज़र से देखिए, सब बनाए हुए परमात्मा के धर्म है, सभी बनाए हुए परमात्मा के ये बंधु इंसान है। इसलिए ना कोई धर्म बुरा है ना कोई धर्म अच्छा है, अगर आप बुराई पर आ जाएंगे तो सभी आपके लिए सभी बुरे हैं, और अच्छाई पर अगर आप काम करें, नेक काम करें तो सभी अच्छे हैं।